भार चढ़ाने हैं। 16,107 और विवाह हुए। बहुमासुर कौन है पता है? ये तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने जिसको अजी बहुमासुर को मारते समय भगवान के रथ का पहिया खुल गया, तो उस खुले हुए पहिये को खीला नहीं मिला तो सत्य भामा ने अपनी उंगली डालकर उसको कमजोर मत समझो भाया। आप तेज बताओ, तेज करना उजागर करना बताओ तेज। और 16,108 से विवाह होने के बाद प्रद्युम्न की कथा, किस प्रकार से प्रद्युम्न का जन्म हुआ की कथा, जिसमें बाणासुर को कैसे भगवान ने ज्ञानोपदेश उद्धार किया, सुदामा का पावन चरित्र हमने सुना, इस प्रकार से ब्राह्मणों पर भगवान कृपा करते हैं, ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है कि वो अमित रखें और शिकार रखें, मस्तिष्क पर पीतल रखें। वह ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण देवता, इस बात को समझिए। आप अपनी शक्ति को भूल रहे हैं भाई, और तो ही वो ब्राह्मण देवता कहलाता है। अगर ऐसा ना हो तो वो ब्राह्मण के वर्ण में पैदा होकर भी ब्राह्मण देवता नहीं कहलाता। मैंने कहा था ना कि बिना जीने वाला ब्राह्मण ने भोजन कराओ तो वह पितराण है, वो नहीं मिला। हाँ, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर ब्राह्मण सुदामा पर कृपा करने के लिए भगवान उनको दो लोग सौंप देते हैं। आगे सूर्य ग्रहण का चर्चा, जो अपने 125 साल की आयु में सूर्य ग्रहण एक ही बार आया, और भगवान का वह सारा जो यदुकुल है किस प्रकार से नष्ट हुआ। एक ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारे पेट में ना स्त्री है ना बच्चा है, मूसल होगा, और उस मूसल से आरका नाम का वृक्ष पैदा हुआ, और उस आरका से मदिरा पिए हुए यादवों ने लड़कर अपने आप को मार लिया, काट लिया, और यादव मर गए, और भगवान उस छोटी सी नोक से जरा नाम के व्याध के द्वारा भगवान भी भागवत के रूप में परिवर्तित हो गए। उद्धव को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। परीक्षित को तक्षक नाम आया। माताओं बहनों सब हो, आप मेरे भाई दादा सब हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इन 7 दिनों में मैंने जो कोई भी ऐसा शब्द कहा हो जिससे आपके हृदय को ठेस पहुंचा हो, आप उन बातों को हृदय पर मत ना ले रहे, उन बातों को आप शिक्षा के रूप में लेंगे तो आप सुधर जाएंगे। और मेरी बातों से यदि किसी को ठेस पहुंचा हो तो आपका ही भाई, आपका ही बालक, आपका ही दोस्त समझकर मुझे क्षमा करना। मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचे इसलिए कथा नहीं कही, मैंने इसलिए कथा कही है कि आपका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए, और जो कुछ भी अच्छी बातें यहाँ से आपको मिली हैं उन अच्छी बातों को अपने जीवन में भी आप उतार लोगे तो उस उतारने को ही मेरी दक्षिणा मैं समझता हूँ। जो विशाल आयोजन किया गया है आज हमारे निजामबाद के MLA साहब श्री गणेश जी गुप्ता यहाँ पधारे हैं, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उनका स्वागत करें। मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वागत करके उन्हें आशीर्वाद। हम जिन्होंने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, आपको सामा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और निजामबाद के विकास के लिए
इतना नाम है डेवलपमेंट मैन गिर गया है, विकास पुरुष गिर गया है। और इमरान साहब पहले के राजा महाराजा रात में आते थे प्रजा का ध्यान रखने के लिए। अभी मैं साहब से यह कहता हूँ कि वे संदेश के रूप में जो शब्द जो है भक्तजनों को शिपाल महिला मंडल द्वारा जो है एमएलए साहब का स्वागत किया जा रहा है। जनता के तरफ से आप लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि महिला मंडली मतलब ये नहीं है कि कहीं किट्टी पार्टी में जाए और छोले चाट बनाए खाए अपने अपने घर पर गए, कुछ अच्छे काम भी तो करो। इसीलिए हमारे बहनों हमारे माँ यहाँ पे आके ऐसा प्रोग्राम करके भगवत गीता क्या होता है, कृष्ण भगवान ने क्या लिखा है, इसमें क्या बोला है कृष्ण भगवान ने, कैसा भगवत गीता चल रहा है। मेरा पिताजी अगर आप रात में 12 बजे उनको उठा के आप पूछेंगे नींद में से सारे भगवत गीता वो आपको बोलेंगे, इतना व्यवहार। तो हमारे बच्चे जो है ये नहीं जानते, इतना जानते लेकिन क्या लिखा है भगवत गीता, तो कोई ना कोई उनके बारे में उसके बारे में उनको समझाना चाहिए। तो समझाने के लिए हमारे महिला मंडली बहनों ने आगे आकर हमारा महाराज को लेके आए और एक हफ्ता से जैसे बच्चों को छुट्टियां हैं एक हफ्ता से यहाँ पे महाराज सबको सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवत गीता में क्या बोले थे। काफी अच्छा लगा क्योंकि हमेशा बच्चे आजकल तो टीवी में लगे रहते हैं, मोबाइल फोन में लगे रहते हैं और उनको व्हाट्सएप फेसबुक हर चीज में काफी बिजी है, लेकिन उसको संस्कार भी सीखना काफी जरूरी है। मैं भी मेरा बच्चों को मैं ऐसे ही सिखाता हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं, दुनिया के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है, इसके मतलब हमारा संस्कार को छोड़ना नहीं है। इसके साथ में महाभारत क्या होता है, रामायण क्या होता है, भगवद गीता क्या होता है, कैसे इस दुनिया में भगवान क्या क्या किया है, क्यों उनको फॉलो करते हैं, रियलिटी उनको सिखाना जरूरी है। मैं दोबारा महिला मंडली बहनों को फिर से मैं धन्यवाद कहता हूँ एक बार, जैसे आपने ऐसा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मेरे जुगल भाई और नितिन भाई मुझे एक हफ्ता से बोल रहे थे अन्ना आपको आना है, मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं कि मैं आके आपको वोट मांगू, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे एक एमएलए है बहुत कम हमको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमारे भाई साहब से कहीं ना कहीं मिल लेते, अपना बहनों से मिलने के मौका कभी नहीं मिलता है। कभी आए गणेश के टाइम पे आए नमस्कार कर लिए, जो भी है नमस्ते करें चले गए, लेकिन इतना अच्छा जो मौका मुझे मिला है, मैं जुगल को मैं बोला था मैं जरूर आऊंगा, अपना बहनों से मिलूंगा, मैं भी कथा सुनूंगा, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ भगवत गीता। तो ऐसा प्रोग्राम और भी कीजिए और हमारे महाराज भी बहुत एक्टिव है, दो मिनट में मैं पहचान लिया, बहुत अच्छा सुना रहे थे। और हमारे नौजवान बच्चों को आगे भी रामायण, क्योंकि सीरियल जो होता है एडसन फीसेस उनको होमवर्क होता है, स्कूल जाना पड़ता है, एक साल में रामायण में पूरा नहीं समझ पाएंगे, वो हमारे महाराज का कितना टैलेंट है एक हफ्ते में पूरा उसको समझा देंगे। तो ऐसा आगे बढ़ाइए और कभी भी मुझे मेरा ज़रूरत है किसी चीज़ के मैं आपको हाजिर हूँ,
कभी भी बुलाइए, आपके घर पे बुलाइए, आपके महिला मंदिर में बुलाइए, घरों में। Yeah.